गोला थाना की पुलिस टीम ने चंद घंटों के अंदर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान भोलू चौरसिया उर्फ आशीष चौरसिया पुत्र प्रमोद चौरसिया निवासी वार्ड नंबर 6 डिहवा कस्बा थाना गोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। इस संबंध में SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार की शाम एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर गोला थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने पुलिस टीम के साथ थाना क्षेत्र के परनई चौराहे के पास से आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि गोला थाने की पुलिस टीम महज 12 घंटे के अंदर दुष्कर्म के मामले में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण सहित अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CO गोला श्याम देव और SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, आज बीती रात्रि में कस्बा गोला थाना गोला में एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 7 से 8 वर्ष के बीच थी, उसके साथ आशीष चौरसिया और भोलू चौरसिया जो इसी कस्बे का रहने वाला है, इसने उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद वो घर से भाग गया। इस बच्ची जब घर पहुंची है अपने घर वालों को बताई है, उसके बाद घर वालों ने थाने पर रात्रि में ही सूचना दिया, जिस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और प्रभारी ने निरीक्षक गोला को और उनके साथ पूरी टीम को रात्रि में ही रवाना किया गया कि किसी भी हालत में अभियुक्त को पकड़ना है, जिस पर इन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए घेराबंदी करके उसे आज सुबह गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ये गोला में कल एक शाम को सूचना आई थी कि एक बच्ची है, उसके साथ गांव का एक आदमी है, उसने लड़के ने गलत काम किया है, उस पर उस अभियुक्त को पकड़ा गया है जो कि उसका नाम भोलू चौरसिया है, उम्र लगभग 18 साल है, उसको पकड़ा गया है और मुकदमा पंजीकृत किया गया, आगे की मेडिकल और इत्यादि की जो कार्रवाई है वो की जा रही है।